एवरेज एसोसिएटेड पावर, इन रजिस्टर बेटा मैंने कहा था मेरे पास एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तीनों को जब मैं वन बाई वन किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो एसी सोर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो जब उसका आउटपुट हम कंसीडर करते हैं तो क्या इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर है? यदि जितना इनपुट था उसी के प्रोपोर्शनेट आउटपुट है तो बेटा देर इज नो लॉस। हम यहां इन टॉपिक्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि एसी सोर्स के साथ में रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में विच इज मोर इफिशियंट, इनमें सबसे ज्यादा इफिशियंट कौन है? इफिशियंट से मतलब है कि किसके अंदर एसोसिएटेड पावर जीरो है। मतलब यह है कि जब मैं इनपुट देता हूं तो कौन मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करता है? जनरली कोई भी मशीन यूज करता हूं मैं, जितना इनपुट दूंगा तो वो कुछ इंटरनल कंजप्शन होगा और वो इंटरनल कंजप्शन की वजह से मेरा आउटपुट कम हो जाता है। तो यहां पर मुझे चेक करना है कि रजिस्टर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है, इंडक्टर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है, कैपेसिटर में कितनी एवरेज एसोसिएटेड पावर है और एलसीआर में क्या एवरेज एसोसिएटेड पावर है। और इसी को बेटा मैं और लिख सकता हूं अपेरेंट पावर। अपेरेंट का मतलब होता आभासी, जी मींस जब मुझे फेज ना कंसीडर किया जाए, जब मुझे किसी भी करंट में, वोल्टेज में, पावर में यदि कहीं फेज नहीं मिला है तो वो अपेरेंट वैल्यू होती है। तो पावर निकालनी है बेटा इसमें तो क्या करें, लेट अस कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटर, नहीं मुझे तो रजिस्टर की तो निकालनी है पहले, इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ? ई इक्वल्स टू बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड द इक्वेशन ऑफ करंट इन रजिस्टर I plus 2 I naught sin omega t। हमने पढ़ा था जब रजिस्टर ओनली, ये EMF की इक्वेशन थी और करंट बिल्कुल ये था बेटा। सिंस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, that means power equals to dw by dt and electric power p equals to beta e into i, v into i होता है और v की जगह बेटा हमने क्या रख दिया e, emf। this is equation 4 from 3 and 4
dw by dt equals to beta e into y. From equation 2, 1 and 2, यदि मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से बात करता हूं बेटा, तो dw by dt e नॉट sin omega t, i नॉट sin omega t, तो dw by dt e नॉट i नॉट sin square omega t. तो बेटा dw equals to e naught i naught sine square omega t into dt. But sine स्क्वायर ओमेगा डी होता है बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा डी अपॉन 2. पुटिंग इन फिफ्थ, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू बेटा ई नॉट आई नॉट बाई 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा डी और डी टी इंटीग्रेटिंग 0 से t तक, क्योंकि मुझे चाहिए बेटा एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू ईएमएफ मतलब कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर एसोसिएटेड होगी. तो इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से बेटा w e नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t ऑफ dt एंड 0 से t. अब बेटा यहां पर ये हो गया w e नॉट आई नॉट बाई 2 t माइनस कोस का बेटा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और 0 से t. लिमिट लगा दो बेटा w इक्वल्स टू e नॉट i नॉट by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. माइनस 0 प्लस 0 W equals to E naught I naught upon 2 T minus 0. W upon T equals to beta E naught I naught upon 2. This is power. E naught I naught upon 2. P equals to beta E naught by root 2 I naught by root 2. 2 को तोड़ दिया बेटा रूट टू इंटू रूट टू एंड ई नॉट बाई रूट टू इज द ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंड दिस इज अपेरेंट पावर. बिकॉज there is no phase, इसमें कोई फेज नहीं है. और यदि बेटा डायरेक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह आप डील करते हो और उसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलता है डायरेक्शन नहीं मिलती है तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं अपेरेंट. अंजलि. यस सर. बताओ कोई दिक्कत? नो सर. रेविज आ गई. अब बहुत देर से वेट करा दिया.
जी सर, सर वो बार बार डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो रहा था। क्यों? सर पता नहीं सर, अभी मैंने दूसरे फोन से कनेक्ट किए। चलो बताओ बेटा क्या डाउट था। जी सर, सर क्वेश्चन पूरा बोलो। अच्छा मैं बेटा, सर मेरे पास आज बुक नहीं है। तो आपको सर, पढ़ना पड़ेगा, पहले इसे देख ले, कुछ समझ में दिक्कत हो तो बता पहले इस टॉपिक को। जी सर, बेटा इस समय तो कोई डाउट नहीं है। सर नहीं है। चलो पढ़ो, क्वेश्चन कौन सा था? सर अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। If its LC current has an effective inductance of 200 omega H, what must be the range of its variable capacitor? Seventh question है ना बेटा? Sir 7.10 है। ना बेटा 10। कौन सा क्वेश्चन है? 7.10। अच्छा 10 है, 10। ओके ओके, मैंने एक ओमेगा का फॉर्मूला लिखा था बेटा, प्रूव तो करूंगा मैं अभी, क्योंकि पहले मुझे पावर्स निकालनी थी। तो बेटा जी 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी। जो ओमेगा होता है बेटा 1/√LC होता है। तो यदि मैं स्क्वायरिंग करता हूं ओमेगा स्क्वायर 1/√LC और सी बेटा यदि मुझे निकालना है तो सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसीज दी है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी ब्रेविक बताओ? सर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज। 800 किलोहर्ट्ज और न्यूटन का बेटा 1200 किलोहर्ट्ज। तो बेटा सी इक्वल्स टू 1/2π(ν)1 का स्क्वायर इनटू 12 और इंडक्टर कितना है बेटा? 200 में मिली ओमेगा। सर म्यू है? सर म्यू 200 म्यू म्यू एच। ओके तो सी इक्वल्स टू 1/4π²μ1²L। C इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेट 10 हो जाता है, न्यू 1 बेटा 8 × 64 और ये हो गया 5, 10^10, L हो गया बेटा 2 × 10^-4, ये C1 आ रहा है बेटा C1। तो C1 इक्वल्स टू ये -10 था, नहीं +10 था, ये हो गया बेटा 6, ऊपर चला गया 10^-6। अब ये हुआ 80 × 64,
ऊपर ले जाओ इसे भी, 10^-7 अपॉन 8 × 64। और बेटा दो ले लो या 3000 कर देता हूं, 1000 × 10^-10 8 × 64, 8 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 125। और बेटा 64 से डिवाइड कर दो इसे, और 2 जीरो ले लो, पीको में ले जाता हूं, 8 से फिर डिवाइड हो जाना चाहिए ये, 8 से नहीं होगा तो 4 से होगा, 4 दिया 12, 4 × 4 10, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। और अब बेटा सीधा 16 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3125/16 पीको फैरड। ब्रेवेज जी सर, समझ में आ गया। ऐसी बेटा अब की बार यहाँ न्यूमन की जगह न्यूटन रख देना। ओके सर। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद जो है, पहले तो हमने किया अपेरेंट पावर, अब बेटा है एवरेज एसोसिएटेड पावर इन इंडक्टर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, एवरेज एसोसिएटेड पावर इन इंडक्टर। या और करके लिख सकता हूं यहां, इंडक्टर इज प्योरली इंडक्टिव, और बेटा मैं लास्ट में लिख दूंगा इसमें पावर जीरो भी होती है। तो बेटा जी क्या करें हम, लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन एल क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन ऑफ करंट, यहां पर करंट 90 डिग्री पीछे होती है, तो इक्वेशन ऑफ करंट इन एल इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या बेटा I = I0 sin of - बेटा कॉमन ले लिया π/2 - ωt, या I = -I0 sin की जगह क्या आ जाएगा cos ωt। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर, तो P = dW/dt एंड इलेक्ट्रिक पावर P = E × I।
from 3 and 4, dw upon dt e into I. From equation 1 and 2, तो बेटा dw upon dt e naught sin omega t माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी. तो dw अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी. टू से बेटा मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी. बट साइन टू ए किसके बराबर होता है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, टू साइन ए इंटू कॉस ए. तो बेटा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी. और बेटा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी ऑफ डी टी. इंटीग्रेटिंग 0 से t तक, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ई नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी ऑफ डी टी. और बेटा यहां 0 से w और यहां 0 से t. डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन बेटा w एंड माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा और 0 से t. तो w इक्वल्स टू बेटा माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू. तो टू क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस तो प्लस, 4 ओमेगा कोस 2 ओमेगा t और 0 से t. तो w इक्वल्स टू बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 इंटू 2π/t cos 2 इंटू 2π/t इंटू टी. डब्ल्यू इक्वल्स टू बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 8π/t और cos 4π/t इंटू टी माइनस cos 0. टी से बेटा टी कैंसिल, डब्ल्यू इक्वल्स टू टी ऑफ ई नॉट आई नॉट अपॉन 8π कोस 4π 1 कोस 0 1. तो डब्ल्यू इक्वल्स टू बेटा 0. तो पावर भी क्या हो जाएगी बेटा, 0. हेंस एवरेज एसोसिएटेड पावर इन इंडक्टर इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ एसी सोर्स. यदि बेटा आप एसी सोर्स से किसी भी इंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो उसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर हमेशा 0 होती है.
इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब आप कोई भी एसी सर्किट की बात करते हैं, चाहे आपके घर में फैन है, आपके घर में गीजर है, आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, यदि उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसकी शेप की बात करेंगे, तो वो एक सोलिनोइडल शेप होगी। एक कॉपर वायर लेंगे, उसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में लपेट देंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स में और सर्कुलर लूप्स बेटा अवेलेबल होते हैं, उसे मैं क्या कहता हूं, इंडक्टर। और उस इंडक्टर को जब मैं एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं, तो उसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर जीरो होगी। दैट मींस देयर इज नो इंटरनल कंजप्शन। उसकी जगह यदि मैं रजिस्टर यूज करता हूं, तो रजिस्टेंस जो होगा कुछ इंटरनल हीट जनरेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। बट इसमें लॉस नहीं होता, इसमें एवरेज एसोसिएटेड पावर जीरो है। जैसे मैं पिछली क्लास में आपसे बात कर रहा था कि मैंने किसी बच्चे को बुलाया, 100 रुपए दिए कि बेटा शाहदरा जाके मुझे 50 रुपए का कोई सामान लाके दो। अब यदि वो 50 रुपीज का सामान लाकर 50 रुपीज मुझे वापस लाके दे देता है, तो इंटरनल कंजप्शन जीरो हो गया। मतलब मैंने जितना इनपुट की दिया था, उतना ही मुझे आउटपुट मिला। पर हुआ क्या कि वो बच्चा इधर से रिक्शा से गया 10 रुपए देके, फिर उधर से 10 रुपए देके, फिर रिक्शा से आया, वो 20 रुपीज उसने खर्च कर दिए फेयर पर, तो मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ, गेन बच्चे को भी नहीं हुआ। वो तो इंटरनली एक प्रोसेस में वो 20 रुपीज क्या हो गए, खर्च हो गए। अब यदि बच्चा पैदल भी जाता है, तो पैदल जाते हुए उसे पानी पीना हो सकता है, उसे कुछ भूख लग सकती है, तो वो इंटरनल कंजप्शन तो तब भी बनता है। तो उस इंटरनल कंजप्शन को यदि मैं कंसीडर करता हूं, तो वो केवल रजिस्टर के केस में दिखा मिले, क्योंकि रजिस्टर के केस में एवरेज एसोसिएटिव पावर थी ERMS इंटू IRMS। बट इंडक्टर में एवरेज एसोसिएटेड पावर कितनी हुई, जीरो। इसी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर है, उन्हें की जो कॉयल्स हैं वो एक इंडक्टर की फॉर्म में बनाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। और पहला प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का, इसी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, कि जो पहली लाइन होती है वो ये, द कॉयल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी प्योरली इंडक्टिव। दैट मीन्स जब आप उससे वोल्टेज और करंट वेरिएशन लेते हैं, तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। जितना इनपुट पावर देंगे, उतनी आउटपुट पावर डिलीवर करेगा। करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, पर पावर क्या होगी, बिल्कुल सेम रहेगी। मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि जो ट्रांसफॉर्मर है एक चेन में लगते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जहां तक हम कंज्यूम करते हैं, उसके बीच में हजारों से भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मर से पास होकर आती है। यदि इनका इंटरनल कंजप्शन होता, यदि ये रजिस्टर की तरह बिहेव करते, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम सप्लाई कर रहे थे, उतनी मेरे यहां तक नहीं पहुंचती। तो अब आपके लिए ये एक छोटा सा टॉपिक हो सकता है कि भाई इसमें एसोसिएटेड पावर जीरो होती है, बस ये सफिशियंट है। लेकिन एक बच्चा जब सोचेगा, तो वो प्रैक्टिकल थॉट ये है कि एसी सोर्स के साथ में जब आप सोलिनोइड जैसी कोई टर्म को यूज करते हो, तो वहां पर जितनी इनपुट पावर डिलीवर करोगे, जितनी इनपुट पावर इंप्लीमेंट करोगे, उतनी ही वो आउटपुट पावर दे। करंट ज्यादा हो सकता है, करंट कम हो सकता है, तो इंटरनल कंजप्शन और आउटरनल जो भी जो कंजप्शन होते हैं बेटा, इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वहां पर लॉस कैसा है, वहां गेन कैसा है, वो सब।
तो ये